हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ अदर एडमिशन अपडेट। फ्रेंड्स, जैसे कि वो आपको पता है कि अभी 10th बेस, 12th बेस और बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल की जो अभी तक की काउंसलिंग की कोई भी डेट्स जो कि बॉबी के थ्रू नहीं आई है, और अभी बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बीएससी नर्सिंग के जो फॉर्म्स है वो इन्होंने रिलीज कर दिए हैं, ठीक है। और कई मेरे को सब्सक्राइबर मेरे को पूछे सर कि पोस्ट बीएससी नर्सिंग की फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में, उन्होंने मुझे कई क्वेश्चन पुट अप किए थे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में, तो मैं उनको बता दूँ कि जो पोस्ट बीएससी नर्सिंग की जो फ़ीस है वो अप्रॉक्सीमेटली 75,000 पर ईयर है, ठीक है। और एक चीज़ और है कि उसमें मोस्ट ऑफ द केसेज जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं वो प्राइवेट ही हैं, पोस्ट बीएससी नर्सिंग की बात कर रहा हूँ। तो 75,000 पर ईयर के नियर अबाउट उसकी फ़ीस है, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन मेरे को मिली है। और फ्रेंड्स, अभी तक 10th बेस की काउंसलिंग का, 12th बेस की और बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग का कोई भी अपडेट नहीं आया है। कई मेरे को क्वेश्चंस पुट अप हो रहे हैं, और मैं यूट्यूब चैनल मैंने ये वीडियो सिर्फ एक क्वेश्चन आंसर सेशन के तौर पे इसको बनाया है, ठीक है। अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है रिगार्डिंग द काउंसलिंग, लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि आप बोल रहे हो कि सर हमारा पूरा साल वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये अगर इसमें सेमिस्टर्स होते हैं या ईयर वाइज होता है तो दे विल मैनेज इट। जो भी आपकी जो एग्जामिनेशन काउंसिल जो भी एग्जामिनेशन जो जो कंडक्ट करवाते हैं, मतलब जो आपके जो रूटीन बेसिस पे जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं, वो मेक श्योर करते हैं कि जब आप एडमिशन लेते हो तब से लेकर आपकी जो ओवरऑल जो डिग्री है उस पर कोई इम्पैक्ट ना आए, तो वो उसको मैनेज कर लेते हैं। तो आप उसकी मत टेंशन लीजिएगा कि पूरा सर साल वेस्ट हो जाएगा हमारा, हमारी डिग्री लेट हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। जब ओवरऑल जो डिग्री होती है वो अपने टाइम पर ही कम्प्लीट होती है। मे भी हो सकता है कि 1 or 2 months का कोई डिफरेंस पड़ जाए, लेकिन आप पूरे साल की अगर आप बात करो तो ऐसा कुछ नहीं होता है, और हर साल इसमें टाइम लगता है। अभी ये अगस्त चल रहा है, लास्ट ईयर की आप पुरानी काउंसलिंग्स को भी देख लो, अगर आपको कोई मिलती है इन्फॉर्मेशन, वो काउंसलिंग्स भी लेट हुई थी बिकॉज ऑफ कोरोना। कोरोना में तो पूरे साल काउंसलिंग नहीं, उसके बाद जाके ऑनलाइन काउंसलिंग हुई। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप उसकी टेंशन मत लीजिए, ठीक है। आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, हो सकता है कोई इशूज़ आए हों जेके बोपी के साथ, या उन्होंने काउंसलिंग ऑनलाइन करवानी है, कैसे करवानी है उस पर वो डिसीजन ले रहे हो, लेकिन आप उसकी टेंशन मत कीजिए कि काउंसलिंग का टाइम लग रहा है और इसमें हम आपका पूरा ईयर वेस्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो चलिए, आपकी जो क्वेश्चन आंसर सेशन है अपने मैं इसका स्टार्ट करता हूँ। रिगार्डिंग ये मैंने एक वीडियो अपलोड की थी रिगार्डिंग द न्यू एडमिशन एंड काउंसलिंग फॉर एमएससी नर्सिंग के बारे में, तो इन्होंने मेरे को ये कमेंट मेंशन किया था, तो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड फॉर दिस कमेंट्स एंड वाचिंग दिस वीडियो एंड सपोर्टिंग अवर चैनल। और उसके बाद इन्होंने पूछा कि 10th की जो काउंसलिंग के बारे में, 10th की काउंसलिंग का अभी तक अपडेट नहीं आया है, लेकिन इस वीक में जो कमिंग वीक है इसमें भी छुट्टियाँ हैं, अगले वीक में भी 2 छुट्टियाँ आ रही हैं, तो हो सकता है कि मिडल ऑफ नेक्स्ट वीक कोई ना कोई अपडेट ज़रूर आ जाए काउंसलिंग के बारे में। बीएससी नर्सिंग में भी टाइम लग रहा है, मुझे पता है इसमें टाइम लग रहा है, क्योंकि इस बार 23,000 प्लस कैंडिडेट्स हैं दिस ईयर, तो कैंडिडेट्स आर ह्यूज, तो उसको मे बी उनको कट ऑफ डिसाइड करने में, फ़र्स्ट काउंसलिंग कैसे कंडक्ट करनी है, ऑनलाइन करनी है, ऑफलाइन करनी, तो ये सब डिसीजन उनको लेने पड़ रहे हैं, तो इसलिए उसको मे बी उनको टाइम लग रहा हो इसके बारे में, ठीक है। तो इसमें टाइम लगेगा, एंडिंग ऑफ अगस्त की कोई शायद अपडेट आए बीएससी नर्सिंग का, इनका भी रिलेटेड टू बीएससी नर्सिंग की क्वेश्चन है कि कोई इन्फॉर्मेशन बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड अभी तक नहीं आई है, और इसका भी वेरी सून कोई ना कोई अपडेट निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो निकल के आ रहा है, 10th बेस पैरामेडिकल का 35% क्या मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है? 10th बेस पैरामेडिकल में मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जो भी कॉलेजेस हैं वो आपकी गवर्नमेंट बेस्ड हैं, तो सॉरी प्राइवेट बेस्ड हैं, स्पेशली फॉर द मेल स्टूडेंट्स। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जो कॉलेज होगा वो प्राइवेट ही होगा, उसके ही ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। उसके बाद इनका भी क्वेश्चन 10th की बेस की काउंसलिंग से रिलेटेड ही है, ठीक है। तो 10th की काउंसलिंग आप ये मान के चलिए नेक्स्ट वीक इसका कोई अपडेट ज़रूर निकल के आएगा। अभी इन्होंने एक दिन काउंसलिंग कंडक्ट की थी, उसके बाद काउंसलिंग नहीं हुई है। इसके बाद इन्होंने क्वेश्चन पूछा 89.6% एनी चांस इन गवर्नमेंट एएमटी स्कूल श्रीनगर। इन्होंने जिस वीडियो पे कमेंट किया वो एमएससी नर्सिंग का, अपने अभी आपने कोई कोर्स इसमें मेंशन नहीं किया, तो काइंडली मेंशन योर कोर्स, ठीक है। उसके बाद सर 12th बेस पैरामेडिकल की लिस्ट कब आएगी? बहुत टाइम हो गया 12th बेस पैरामेडिकल की लिस्ट, टाइम हो गया है, क्योंकि इस बार भी मुझे इसमें भी ये लग रहा है कि इस बार नंबर ऑफ़ कैंडिडेट बहुत ज़्यादा इन्होंने फॉर्म फिलअप हुए हैं एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। लास्ट ईयर 8,000 कैंडिडेट्स थे,
इस बार उससे ज़्यादा हैं, तो इसलिए इनको टाइम लग रहा है। मे बी नेक्स्ट वीक तक, ये मुझे ऐसे लगता है कि 10th की काउंसलिंग और 12th बेस पैरामेडिकल की मेरिट लिस्ट एटलीस्ट ये रिलीज़ कर देंगे। तो उसके बाद इन्होंने भी यही कमेंट दिया है, मैंने आपका रिप्लाई नहीं किया, मैं अब इस वीडियो के थ्रू आपको रिप्लाई कर रहा हूँ और मैं इस वीडियो का लिंक भी आपसे शेयर कर दूंगा, तो आपको आपका रिप्लाई इसमें मिल जाएगा। कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने अपडेट वीडियो में, मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, मैंने शायद इनसे शेयर भी किया था कि इन्होंने अपडेट के लिए टाइम दे दिया कि 12th के रिजल्ट आ चुका है, तो उसके मार्क्स उन्होंने अपडेट करने के लिए, फॉर्म को अपडेट करने के लिए उन्होंने टाइम दिया है। 10th की काउंसलिंग आई थिंक नेक्स्ट वीक में कोई ना कोई अपडेट आ जाएगी। 12th बेस और GNM की काउंसलिंग अप्रॉक्सीमेटली 7 आसपास ही होगी, और इसका अपडेट भी नेक्स्ट वीक तक मुझे लगता है होपफुली न्यू काउंसलिंग डेट्स जो हैं वो भी आ जाएंगी, और फॉर द 10th बेस पैरामेडिकल और 12th की मेरिट लिस्ट एटलीस्ट ये रिलीज़ कर देंगे। सर GNM लेटरल एंट्री की काउंसलिंग कब तक होगी? तो GNM लेटरल एंट्री की काउंसलिंग भी GNM के आई थिंक 7 ही होगी, और ये काउंसलिंग एटलीस्ट मुझे नेक्स्ट वीक में लग रहा है कि मैं होपफुल हूँ कि नेक्स्ट वीक में कोई ना कोई अपडेट ज़रूर निकल के आ जाएगी। इन्होंने एक ये वीडियो अपलोड किया था, इसमें इन्होंने ये बताया है कि लिस्ट कैसे देखनी है। आई थिंक ये लास्ट ईयर का वीडियो था, उन्होंने उस पर कमेंट किया था, तो मैंने इनको रिप्लाई किया था कि ये ओल्ड वीडियो है, ये 2001 का वीडियो है, ठीक है। तो अब इन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, सर 83.5% नीचा सिंह GMC बख्शीनगर जम्मू, इन्होंने आई थिंक जो कमेंट किया है मे बी उन्होंने 12th बेस काउंसलिंग के ऊपर बोला है, 12th बेस काउंसलिंग का 83.5% है, चांसेस आर देयर। नेक्स्ट कमेंट, फर्स्ट व्यू, थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग अवर चैनल, सब्सक्राइबिंग अवर चैनल एंड सपोर्टिंग अस। उसके बाद इन्होंने कुछ जेके बोपी से रिलेटेड कुछ कमेंट्स किए हैं, तो मुझे पता है कि सबको काफ़ी, सब लोग काफ़ी वेट कर रहे, तो आप प्लीज़ पेशेंस रखिए, कोई ना कोई अपडेट ज़रूर निकल के आ जाएगा। इन्होंने भी कुछ कमेंट्स रिलेटेड टू जेके बोपी किए हैं, कोई इशू नहीं है, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप टेंशन मत लीजिए, जेके बोपी और जो भी आपका एग्जामिनेशन जो काउंसिल है जो आपके इस कोर्स को डील करता है वो मेक श्योर करेगा कि आपकी डिग्री में कोई इफेक्ट ना आए, ठीक है। सर काउंसलिंग कब होगी BSc नर्सिंग की? तो मैंने आपको बताया एंडिंग ऑफ अगस्त तक ही इसका कोई अपडेट आ गया है। इन्होंने बोला है कि BSc नर्सिंग काउंसलिंग कब होगी, प्लीज़ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं। मैं आपको ये बताता हूँ कि हर साल मुस्कान हर साल टाइम लगता है, तो आप इसको वेट कीजिए, कोई इशू नहीं है, हर साल ऐसा ही होता है कि थोड़ा सा टाइम लगता है, और इस साल द नंबर ऑफ बिकॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इसमें टाइम लग रहा है। सर 80% है, रैंक 136, 10th बेस गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। मैं यही बोल रहा हूँ कि आपका रैंक हायर साइड पे है, ठीक है, तो चांसेस आर देयर, लेकिन अगर बस ये बता दूँ कि फीमेल में ही गवर्नमेंट कॉलेजेस की अवेलेबिलिटी है, मेल में सारे जितने भी कॉलेजेस हैं वो सारे प्राइवेट।